कहना चाहेंगे इसिका मैम के घर पे रखा इसिका मैम के घर पे रखा गया है गणेश का स्थापना है और इसमें आपको बुलावा है ओके सर क्या कुछ कितने आप पावन अवसर पे आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको क्या गिफ्ट विशेष देना चाहेंगे। देखिए गणेश जी का ये जो त्यौहार है ये अपने आप में महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम लोग सब कोई यहाँ पे बॉम्बे में कुछ न कुछ काम करने के लिए यहाँ आते हैं और अपनी कर्म भूमि बनाते हैं, अपने परिवार को हम लोग कहीं ना कहीं बाहर रहते हैं तो यही हम लोग का एक परिवार बनता है। तो ऐसे फेस्टिवल के अंदर में ऐसे माहौल में हम लोग को सबको एक दूसरे के घर जाना चाहिए और इस तरीके से क्या है कि एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट होती है। तो मैं सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आगे उनका करियर भी एक के बाद एक सितारे जुड़ते रहे। जैसे कि हम जानते हैं इसिका मैम को काफ़ी टाइम से आप जानते हैं और जहाँ तक आपने बताया कि हम मुंबई से आप नहीं हैं तो कैसा लगा मुंबई की गणपति? मुंबई का गणपति तो देखिए अपने आप में एक अलग ही चीज़ है, कितना शोर शराबा मस्तियाँ, मतलब डेढ़ दिन ढाई दिन पाँच में ये करना। कल मैं गया था वहाँ लोखंडवाला में, वहाँ पे विसर्जन किया तो एक नया फीलिंग है कि भाई इस प्रकार यहाँ पे सब कोई एकत्र हो जाते हैं, कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, सबको यहाँ पर एक होते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को यहाँ पर देखने को मिली जो हर जगह ये चीज़ नहीं दिखती है। गणपति बप्पा से क्या मांगे आपने मैसेज में, क्या मांगे आपने गणपति बप्पा से? मांगेंगे क्या, वो तो जो जो उनको देना होता है वो दे देते हैं, उनसे मांगना क्या है। हम लोग को सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है कि मेरा और मेरे परिवार वाले और मेरे दोस्त और जो लोग मेरे से जुड़े हैं उनको खुश रखे। अगर उनको खुश रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक अपन भी खुश रहेंगे, राइट? तो भगवान से बस यही हम चाहते हैं कि मेरे संग जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको हर समय भगवान कुछ ना कुछ आशीर्वाद के तौर से टाइम टाइम पर देते रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहेंगे आप अपना इंट्रोडक्शन के साथ में ऑडियंस को कुछ बताएं। आई नो आप इसिका मैम के मॉम डैड हैं, फिर भी उन लोगों को पता चलना चाहिए जो नहीं जानते, क्योंकि जिस तरह का फेम फॉलोइंग मैम को लोग जानते हैं शायद आप लोग कभी नहीं आए पर्दे पे या मीडिया के सामने। तो मैं वैसे रोज़ मीडिया के सामने होती हूँ, खैर वो अलग बात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर भारती दिनेश हूँ और इशिका की मॉम हूँ, इशिका की प्राउड मॉम हूँ। आई फील सो गुड अबाउट इट कि उसने इतनी प्रोग्रेस की है, उसने ज़िंदगी में इतने मुकाम पाए हैं जिनकी बहुत मुश्किल है जिसको पाना, तो वो ज़िंदगी में उसने बहुत कुछ पाया है और उम्मीद करती हूँ वो बहुत कुछ पाएगी। बहुत ही मेहनती, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ओबीडियंट लड़की है जो कि बहुत मुश्किल से मिलती है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। और मीडिया के सामने आके तो वो मुझे लगता है कि वो एकदम से छा जाती हैं हमेशा, आई होप। और बहुत ही सुंदर तरीके से उसने गणपति रखे, पिछले 5 साल से गणपति रख रही है और हर बार वो पहले से ज़्यादा ग्रो कर रही है और वो गणपति जी की ही कृपा है। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम के लिए? मैं इशिका का फादर बलराज तनेजा, मैं दिल्ली में फैक्ट्री चलाता हूँ कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग का और इधर बीच बीच में इशिका के पास आता रहता हूँ। इशिका बहुत मेहनत करती है, बहुत ही मेहनती है और जब से वो बॉम्बे में आई है एक यहाँ का कुछ नेचर ही है, यहाँ स्ट्रगलिंग लाइफ ही होती है। तो ये 5 साल हो गया उसको इधर गणपति रखते हुए, तो हमने उसको एक ही बात सिखाया कि आपने भगवान से मांगना कुछ नहीं, आप मांगोगे तो मुट्ठी भर मांगो वो देगा, झोली भर के देगा। तो इसलिए हमेशा से अच्छा करो, लोगों का अच्छा करो, बस यही हम उसको शुभकामनाएं। इतने दूर घर से दूर है मुंबई में, मॉम डैड सब अलग, तो कभी ऐसा याद आता है कभी इसी का
प्रॉब्लम, मतलब हर टाइम ऐसा कभी आ जाता है जब सेट रहती हैं तो कभी ऐसा रहता है मोमेंट याद होता है बेटी को याद करते हैं? हाँ, जब भी उसका मन होता है वो फ़ोन करे, कभी खुद आ जाती है, उसके पास टाइम नहीं होता तो बीच में हम लोग भी आ जाते हैं, तो ये आना जाना चलता रहता है, उसका भी मन लगा रहता है, हमारे लोगों का भी मन लगा रहता है। I talk to her every night almost, तो हर रात मैं बात करती हूँ। और आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो अपने माँ बाप से इतना खुल के और इतनी सारी इतनी बात मन की बात शेयर करते हैं। शी शेयर्स एवरी थिंग, जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में हो रहा है तो बताती है। बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो इसलिए हर चीज़ को कैसे और आगे चलाना है उसके बारे में भी डिस्कस करती है, तो वो जब डिस्कस करती है तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं अगर ज़रूरत हो तो। फॉर ग्रोइंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ज़िंदगी में ग्रो करें, और वो भगवान की बहुत दया है। 5 साल से जब गणपति रख रहे हैं तो गणपति की कृपा है, वो आगे भी बढ़ती ही जाएगी। एंड वी आर वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ हर। जी, उसके हर गणपति में हम यहाँ पे होते हैं। 3 साल हम लोग यहाँ थे, दो साल हमने दिल्ली में ही गणपति रखे थे बिकॉज कोविड था। एक बार तो लॉकडाउन था तो घर पे थे, एक बार हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पार्टी रखी थी हमारे वहाँ दिल्ली में गणपति, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता, हम लोगों ने जब रखा तो इट वॉज समथिंग न्यू फॉर पीपल, तो लोगों के लिए बड़ी नई बात थी, तो बहुत क्रेज़ था। तो 11 दिन हम लोगों ने गणपति जी रखे थे, तो हर रोज़ 80 से 100 लोग हमारे यहाँ आते थे और बहुत खुश होते थे, उनके लिए नई चीज़ें, तो उनके लिए बहुत एकदम खुशी ज़्यादा होती थी दिल्ली के अंदर। मैम, जैसे आपने एक महिला होने के नाते, एक महिला भी है, आपका बेटी अकेले मुंबई में संघर्ष करता है, जिसे एक महिला बिल भी आरक्षण पास हो गया है, इस महिलाओं के लिए क्या बोलना चाहते हैं? गणपति मुख्य क्या बोलना चाहते हैं महिला आरक्षण बिल भी पास हो गया है? देखिए, अब गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी जी के लिए हम बहुत आभारी हैं, आरक्षण बिल पास किया तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मुझे लगता है लड़कियों को, आजकल की लड़कियाँ जो है वो खुद में अपने आप में ही इतनी हिम्मत रखती हैं कि वो बिल्कुल हिम्मत से रह पाए, और अपने को कैसे रखना है, कैसे लोगों से बचा के रखना है और कैसे अपने करेक्टर को अच्छा करके रखना है, वो मेरी बेटी बहुत अच्छे से जानती है। आई ऑलवेज आई एम प्राउड ऑफ हर। मैम, शी इज मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी इशिका जी, तो आप लोग किस तरह से उन्हें मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, कैसे अवार्ड से जीते उन्होंने, तो कितना प्राउड होता है, तो वो किस तरह से आपने उन्हें नर्चर किया कि इतनी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी बन चुकी है? आई थिंक ज़्यादातर ये बातें जो हैं वो पेरेंट्स से ही आती हैं। मेरा अपने, अगर मैं बताऊँ तो मेरा बहुत नाम है, मैं हर रोज़ मीडिया में होती हूँ। मैं 35 ईयर्स से अपने कॉस्मेटिक क्लिनिक चलाती हूँ। वी हैव 63 क्लिनिक्स एंड इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया। बीइंग अ डॉक्टर, मुझे ब्यूटी बहुत पसंद थी, तो मैंने ब्यूटी के अंदर अपने आप को ढाला। और मुझे लगता है वो भी चाहती थी, पहले वो ब्यूटी में आई, उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी 60 मेकअप 60 मिनट्स में किए, तो बहुत बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन बच्चे का जो मन जहाँ पे होता है उसको वही करना चाहिए, यही मैंने सीखा है। बीइंग अ डॉक्टर, मैं ब्यूटी में आना चाहती थी, मैं ब्यूटी में आई, उसी तरह से वो एक्टिंग में उसका एकदम से चांस बन गया तो वो एक्टिंग में आ गई। एंड शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। वो जिस दिन उसकी फिल्म आ जाएंगी पर्दे पर तो एकदम धमाल मचाएंगी, और हमेशा अच्छा करती रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वो पेरेंट्स से जुड़ी हुई है, वो पेरेंट्स से, जो हमने बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, घर में सुबह शाम जब उठ के हम लोग चाय पीने बैठते हैं, लंच करने बैठते हैं, डिनर करने बैठते हैं, तो बच्चे अपने आप पेरेंट्स से सीखते रहते हैं। तो जिस तरह से मैंने मीडिया को हैंडल किया तो उसको मीडिया हैंडल करना आता है, जिस तरह से हम लोग ने घर में प्रोग्रेस करने की शुरू से बात करते हैं, हम हमारी पूरी फैमिली, मेरी बड़ी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम सब मिल के बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। शी इज़ अ वेरी गुड बिजनेस वुमन, इसीलिए उसको बिजनेस वुमन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला, बिकॉज बिजनेस उसके रगों में है, खून में है, वो घर से आ जाता है। तो बच्चे जैसे घर में देखते हैं, और राजी बता सकते हैं कि इन्होंने उसको बहुत मजबूत, बहुत ही मजबूत बनाया। एक्चुअली मैंने उसको बहुत बोल्ड बनाया शुरू से, बचपन से। एक दिन मैं उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग में गया था, व्हेन शी वाज इन 3rd स्टैंडर्ड, तब वो कुछ भी बोलती नहीं थी, रोऊं रोऊं करती रहती, तो उसके टीचर ने बोला, ये दुखी आत्मा कहाँ से लाए हो? मैंने कहा, आज के बाद ये आत्मा दुखी नहीं रही। उसको मैंने बोल्ड बनाया और हर काम में उसको सिखाया कि जो कदम आगे बढ़ा लिया अब पीछे लौट के नहीं आ, इसलिए उसको बोल्ड बनाया और हमेशा से उसको आगे आगे बढ़ने के लिए बनाया।
वो अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट रही है, प्रेसिडेंट रही, सेक्रेटरी रही, थ्रू आउट कुछ ना कुछ रही। तो हमेशा वो अपने इंटरव्यू में बोलती है कि पैदा मेरी माँ ने किया मगर जीना मेरे फादर ने। आजकल के जो बच्चों को बहुत प्रेशर दिया जाता है, सो उनके लिए क्या एक मैसेज रहेगा कि बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए कम्युनिटी वर्ल्ड में? जस्ट से फ्यू नहीं, देखिए हमने आज तक किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं दिया, डिस्कस करा मगर ऐसे नहीं किया कि तुमको ये करना ही करना है। उसको इतना मोल्ड कर दिया कि उसको अपना उसमें एक चॉइस नजर आने लगा। अगर सब अच्छा बुरा, अगर बच्चा कोई खेलने में इंटरेस्टेड नहीं होता ना, आप उसको रोज बैट ले दो, बॉल ले दो, तो उसको वो बोझ लगने लगता। तो हमने उसको कभी बोझ नहीं लगने दिया मगर मोल्ड कर करके उधर टर्न कर दिया। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो शुरू से अपने आप पे बहुत इंडिपेंडेंट, जब से इन्होंने इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उसके पीछे पड़े तो इंडिपेंडेंट है। वो बाहर से जितना पढ़ के आए, लंदन में, इसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना स्टडीज़ की, लंदन से मेकअप सीखा, हॉलीवुड में मेकअप सीखा, हॉलीवुड में एक साल रही और हॉलीवुड में काम किया। तो ये सारा कुछ बहुत ही इंडिपेंडेंटली उसने किया है। उसको अपने ऊपर बहुत विश्वास है, वो जो चाहती है वो कर सकती है और हम उसके विश्वास पे हम हमेशा मोहर लगाते हैं कि तुम्हें विश्वास है तुम कर पाओगी और उसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोग्रेस करने के लिए बोलते हैं। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा फिफ्थ ईयर है गणपति जी के साथ एंड आई थिंक आई फील ब्लेस्ड कि वो मुझे चूज़ करते हैं कि मैं हर बार ही उनको बुला पाऊँ। एंड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि मैं, जब आप सिलेक्ट करने जाते हैं बप्पा को तो आपको तो पता ही होगा कि वो हम नहीं सिलेक्ट करते, वो खुद आपको सिलेक्ट करते हैं। तो हर बार ही एक बप्पा की मूर्ति होती है जो मुझे बोलती है कि इस साल शायद उनके साथ ही मैं सेलिब्रेट करूँगी, तो इस साल भी यही हुआ। पर इस बारी सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि मैंने बप्पा को खुद अपने हाथों से सजाया है, क्योंकि इस बारी हम उनका विसर्जन नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उसको अपने दिल्ली वाले घर में लेके जाके फैक्ट्री में उनकी पूरी तरह से स्थापना करेंगे 11 दिन के बाद। तो ये वाले बप्पा मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि सिलेक्शन से लेकर उनके कपड़ों से लेकर उनकी हर एक नग और उनकी सजावट से लेकर सब कुछ मैंने खुद ही किया है। एंड जैसे कि मैं हर साल करती हूँ, पूरा का पूरा डेको सब अपने हाथों से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं बाकी सब चीज़ों में, अपने इवेंट्स में, अपनी चीज़ों में, तो जब बप्पा आने वाले होते हैं हम कुछ दिन तो निकाल ही सकते हैं उनकी, उनको वेलकम करने के लिए या अपनी ज़िंदगी में से सबसे ज़्यादा अच्छा हिस्सा बनाने के लिए। अभी काफ़ी कुछ कहा फैंस ने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या विशेष रहेंगे उनके लिए, किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप सबके साथ? जी हाँ, जो मुझे बहुत ही स्पेशल लग रहा है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे बॉम्बे में, फिर भी सब लोगों के साथ एक अच्छा गहरा रिश्ता बन गया है एंड वो लोग आ रहे हैं एंड मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं एंड इनफैक्ट विश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ लाइफ में यही होती है कि कोई किसी को ब्लेसिंग कर पाए, एक ब्लेसिंग दे पाए और उसके साथ साथ आपके साथ खड़ा रहे, तो वही सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा मित्र वही होता है। तो आई फील ब्लेस्ड, देर आर सो मेनी पीपल हु आर देयर टू ऑलवेज ब्लेस मी एंड सपोर्ट मी एंड टू स्टैंड बाय माय साइड। एक्चुअली हुआ ये था कि हम सोच रहे थे कि जैसे अभी हमारी फैक्ट्री नहीं बनी है तो हम सोच रहे थे वहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि बप्पा से ही सबसे शुभ शुरुआत होती है एंड सारे विघ्न हटता है वो, तो हमें लगा एक अच्छी बप्पा की मूर्ति लेकर आए। तो मैंने सोचा कि अभी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ही तो हम इस बार विसर्जन क्यों करें, वही बप्पा हम अपने घर पे और अपनी फैक्ट्री में उनकी स्थापना करेंगे। नियम ये है कि उनका विसर्जन करते हैं।
विसर्जन एक्चुअली हम लोग इसलिए करते हैं, आप बप्पा को तो पूरे सालों साल रख सकते हैं, विसर्जन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि बड़ी मूर्ति होती है तो आपको उनकी सारी सुख सुविधा का आपको ख्याल रखना पड़ता है, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति रखते हैं तो आपको उनका खाना, उनका भोग लगाना, उनकी प्रॉपर पूजा करना, वो फैक्ट्री में हम वैसे भी फॉलो करते हैं, तो अगर जो बप्पा मेरे घर आए, अगर मैं उनको ही स्थापना उनकी कर दूँ तो उससे बड़ी कोई बात नहीं, विसर्जन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको रिस्पेक्ट देना इम्पोर्टेंट है। इशिका जी, आपने बहुत सारे काम किए, आपने बप्पा से क्या मांगा, आपने कौन आपके लाइफ का रोल मॉडल है जिस सारा काम करने के बड़ा इच्छुक आप इच्छा है आप काम करने की, कौन इससे स्टार है? मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरे मन है कि मैं इस साल एक अच्छी मूवी करूँ, अच्छे लोगों के साथ करूँ, दैट इज़ माई ओनली विश, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, मुझे लगता है कि यूनिवर्स खुद डिसाइड करता है कि आपके साथ क्या और कौन जुड़े और कब जुड़े, तो जब यूनिवर्स को सही लगेगा तो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वैसा कलाकार है ड्रीम कलाकार के साथ में काम करना या इसके अंदर? मेरी सबसे बड़ी ड्रीम तो यही होगी कि मैं संजय लीला भंसाली सर के साथ काम कर सकूँ, दैट विल बी माई ड्रीम कम ट्रू। मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आप इस गणपति पे सबका ख्याल रखिए, इको फ्रेंडली गणपति रखिए, एंड इसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। वन सेकंड, क्या बोला आप? So there are two big projects coming out in Saima and I feel absolutely blessed के Saima के लिए मैंने red carpet दोनों cities में walk करा, Hyderabad and Bangalore, and उसके बाद हम लोग Dubai गए, and like lot of great news are coming from the south and it's a absolute honor to be walking for Saima in Dubai and being part of the entire journey. Right. So this 2023 has been absolutely amazing and very blessed because अभी मैं House of Lords and क्या कहते हैं Ministry of Culture and External Affairs की ambassador बनी हूँ, their youth ambassador for this entire year. So we'll be representing India in a lot of different nations. That's one. And apart from that, एक जियो सिनेमा की जो मैं फिल्म कर रही हूँ, मैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. इसके साथ साथ साउथ के जो दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो आई थिंक ऑल इन ऑल बप्पा हैज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड फॉर मी दिस ईयर एंड लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग. इन फैक्ट फिक्की के साथ भी हम जुड़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड टू ऑल्सो टू सेव द एनवायरमेंट. हम लोग कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दीज आर द अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड आई होप इंडस्ट्री ऑलवेज बी काइंड टू मी जैसे कि वो आज तक रहे हैं. Thank you, ma'am. Thank you.